जनपद हापुड़ के नगर पिलखुवा में ग्राम गालंद में अंबेडकर भवन में बिना अनुमति बाबा साहेब की मूर्ति रखने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। ग्रामीणों में रोष, कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के ग्राम गालंद का मामला। क्या नाम है आपका? राजरानी। कौन सी जगह है? क्या मामला हुआ है यहाँ पर? क्या मामला हुआ? अंबेडकर की मूर्ति आई थी और उसे यहाँ से ले रजपूता ने मतलब वो एप्लीकेशन दे दी, पुलिस बुलाए, उस तस्वीर को यहाँ से ले जा रहे थे, खाना तोड़ रहे थे। और ऐसी एक सफा एक बिरादरी से नहीं चलेगा। यहाँ में जातो धर्म और सबका बाप एक संविधान दिखाया, ये देश संविधान से चलेगा। और हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी कह दिया कि ये देश पागलवाद से नहीं, जातिवाद से नहीं। हमारी बात को नहीं सुना जा रहा, हमारी बात को दबा रहे हैं। ये कह रहे कि चुप रहो, किसी से चुप अनाथ तुम चीज देखो। हम लड़के की बोल रहे प्रिंस गौतम की, तो क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप लगे, क्या कसूर है उसका? उसने पहले गलती करी थी, वो जेल काट गया। अपने आप आएगा, किस बात की बात, किस मुद्दे पर उठाया आपने? आप पूछिए जी। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की तस्वीर लिखाए थे, हमने जो है वो लाके अम्बेडकर भवन के भीतर एक दो कमरे बनाए, एक पीछे कमरा आकर हमने आकर टीचर रूम के भीतर गति ताला लगा कर रुक करते। आज हम परिसर लेने के लिए जा रहे थे, उससे ही पहले ठाकुर समाज के कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन को बुला के और हमारे अम्बेडकर भवन में बैठकर जो हमारा ताला रखा है उस ताले को तोड़कर फेंक जाते हैं और हमारे तस्वीर को तोड़कर खंडित करने का काम करने वाले थे। अगर हमारा समाज हमारी माताएं बहने ना खड़ी होती, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज ने सहयोग करा है, ऐसे ही पूरे देश को पूरे हिंदुस्तान में सहयोग करें। और पुलिस प्रशासन आपको समाज के कहने पर आया है, हम तो कुछ बोला नहीं, बचा नहीं, सीधे से अंदर आके ताला तोड़ के गाड़ी ला के तस्वीर को ले जाने के लिए कह रहे थे। वो तो हमारा समाज कहना पड़ता और उनको ये काम नहीं करने दिया। हम ये पूरे चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि ये काम पुलिस प्रशासन के अंदर खोजने का था। ठाकुर समाज का ये काम नहीं था कि वो हमारी अम्बेडकर उनका हक है ताले को तोड़ के हमारी तस्वीर खंडित करने का काम करे। ऐसे तो अगर हमारे कुछ घर में घुस के हमें मार भी सकते हैं, तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी होगी। और हम तो तस्वीर आए थे, उसमें एक बीमारी में जुड़ा हुआ है जिस बोतल नाम उसका लड़के का, वो ऐसा ठहरे 3 साल का होगा। उस लड़के को पुलिस प्रशासन ने ये फजूल आकर के ले गए हैं, हमने कहा है तो कोई मुद्दा नहीं बता रहे हैं कि किस मुद्दे पर उठा कर ले गए हैं। हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी है कि भाई किस मुद्दे पर उठा कर ले, क्या बात रही है, क्या वजह है। वो पहला मुद्दा बता रहे हैं, उस लड़के की एक पहली वीडियो थी, उसमें उसकी गलती भी ना थी, लेकिन फिर मुझे जेल काट ली। जब उन्हें पहले जेल काट ली तो उसका अब क्या मतलब लिया, क्या वजह, क्या रीजन लिया पुलिस प्रशासन को उठाकर ले जाने का? कौन सी जगह का मामला भाई है? कौन सी जगह का मामला? ये गाँव वाले अम्बेडकर भवन गली मोहल्ला। और जी पुलिस प्रशासन हम पर पूरा दबाव प्रेशर बना रहा, कह रहा है कि अगर ये तो बात आ जाओ मूर्ति ले जाने दो, आना तो एक एक घर से दिन बच्चा को खाकर जेल भेजेंगे, आज जेल तो भेजेंगे, मैं चमड़ी भी नहीं दिखा, मैं ये कह रहे हैं।
और हमें अगर हम थाने में जाते हैं किसी बात को लेकर, हमारे लिए वो बिल्कुल थाने के ऐसे जो बरोगा हमारे जाते शूटर सबको बोलते हैं, हमारे बाबा साहब ने जाते शूटर सबको बोलते हैं, गाली देते हैं। तो ये प्रिंसिपल साहब क्या मुझे बता दो कि एक ही समाज के लिए काम कर रहा है, एक ही समाज का है, क्या हमारा कुछ है नहीं देश के अंदर? अरे ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान हमारे बाप का है और हम अपने बाप के संविधान को नहीं मिटने देंगे, नहीं झुकने देंगे। और आज हमारे साहब समाज ने एक कारनामा करके दिखा भी दिया, पुलिस प्रशासन क्योंकि कामयाब हो गया है, हमें चलाया धमकाया, यहाँ तक ये भी कहा है कि तुमका गोली मिल जाएंगी अगर यहाँ साथ घर में बैठ दो। लेकिन हमने क्या थी कि गोली तो क्या, अगर हम पर हमारे पर तो लोडर करवा दो, गर्म दुआ भी दो, हम दो भी पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है।